ये मेरा मैं यूज़ करता हूँ, ये ख़राब हो गया था, इसलिए मैं सोचा रिपेयर करने के बाद मैं सोचा कि एक बार इसके ऊपर वीडियो बना देता, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है, मेरे को कोई हेल्प नहीं मिला, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक डीपली वीडियो बना दिया जाए। मोबाइल डॉक्टर मिजनूर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल डॉक्टर मिजनूर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास देखिए क्विक 857 DW प्लस का एक हॉट एयर गन है, ये खुद मेरा ही है और मैं इसी से ही काम करता हूँ, लेकिन आज सुबह अचानक इसका हीट होना बंद हो गया था, तो मैंने रिपेयर करने की कोशिश किया, तो अभी रिपेयर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उस टाइम मैंने वीडियो बना नहीं पाया, तो अभी हम वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसका जितने सारे पार्ट्स है, क्या क्या चीज़ है इसमें और क्या ख़राब होने से क्या हो सकता है, कैसे रिपेयर होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसका रिव्यू हम नहीं करेंगे, हम इसका हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। रिव्यू आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, लेकिन हार्डवेयर के बारे में नहीं मिलेगा देखने को, इसलिए मैंने सर्च किया था। जब हीट नहीं हो रहा था तो मैंने सर्च किया था, मैंने देखा कि कुछ लोग हैंडल चेंज कर रहे हैं, तो एक दो वीडियो है उसमें कुछ लोग क्या कर रहा है, डायरेक्ट हैंडल चेंज कर रहा है, तो मैंने चेक करके देखा कि हैंडल के अंदर स्प्रिंग जो होता है, जो कॉयल होता है, वो ओके है, और इसमें सेंसर का ही दिक्कत था, मैंने रिपेयर कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या है और क्या ख़राब होने से क्या हो सकता है, और आपको अगर पार्ट्स अच्छा है तो वैल्यू कितना आना चाहिए, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, आपके पास अगर ये मशीन है और प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा स्किप किए बिना, और अगर आपका ख़राब हो गया है तो आप स्किप तो नहीं करेंगे, ये मेरे को पता है, क्योंकि मेरा जब ख़राब हो गया था तो मैंने बहुत ही ढूंढा है कि कैसे रिपेयर होगा, तो फिर मैंने रिपेयर कर लिया है, क्योंकि मेरे पास दूसरा सेम हॉट एयर गन है, इसलिए मैंने उसका पार्ट्स का कितना वैल्यू है और क्या ख़राब होने से क्या होगा उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक फ्यूज़ होता है, ये जो सेक्शन है यहाँ पर एक फ्यूज़ होता है, ये फ्यूज़ अगर आपका ख़राब हो जाएगा तो ये यहाँ पर ऑन करने से आपको कोई भी रीडिंग नहीं आएगा, मतलब डिस्प्ले शो नहीं करेगा, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होगा, ये फ्यूज़ होता है प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो ट्रांसफार्मर है, ये इसका जो सर्किट है, ये जो सर्किट है इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये सर्किट को पावर देने के लिए ये ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, और ये ट्रांसफार्मर का दो फेज है, मतलब दो आउटपुट है अलग अलग, एक आउटपुट में आपको 10 वोल्ट मिलता है और दूसरा आउटपुट में आपको 27 वोल्ट यानी 27 वोल्ट आपको मिलेगा ये ट्रांसफार्मर में। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो एसी मीटर में आपको एसी वोल्टेज सेट करके यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा, तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक एक करके दिखाऊंगा, तो ये वीडियो भले ही ये लंबा हो जाए, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको आपके मशीन अगर ख़राब हो जाए तो आपको पता चले और आप भी चेक कर पाए कि कैसे आपको रिपेयर करना है। तो देखिए मैंने एसी मोड में सेट किया, आपके पास अगर ये मीटर है तो आप 600 मोड में सेट कर सकते हैं, और अगर आपको दूसरा वो मीटर है जो वाइट येलो कलर का आता है उसमें 700 वोल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने मीटर को सेट किया है, सॉरी लाइट डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने एसी मोड में सेट किया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज आपको चेक करके देते हैं।
तो यहाँ पर स्विच ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैंने स्विच ऑन किया है, और ये देखिए मैं जैसे कि मैंने कहा है कि ये ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाएगा तो आपको डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं करेगा, मतलब कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होगा। तो देखिए मैंने ये जो केबल निकाल लिया है तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, मतलब इसका कंट्रोलिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर हीटिंग भी नहीं होगा, और यहाँ पर चलिए चेक करते हैं। मैंने मीटर को एसी मोड में सेट किया है। अभी हम जो दो ग्रीन कलर है इसमें हम चेक करते हैं। देखिए लगभग 26 वोल्ट के आसपास है, लेकिन ट्रांसफार्मर 27 वोल्ट का है। 26 मतलब ये ओके है, और इस साइड में आपको 10 वोल्ट मिलेगा। 10 वोल्ट दो जो ये वाला कलर है देखिए 0.9 वोल्ट, मतलब ये 9 वोल्ट में है। मैंने 600 मोड में सेट किया है इसलिए 9 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये ट्रांसफार्मर में दो फेस होता है। और अच्छा हम यहाँ पर एक बार लगा देते हैं इसका केबल। देखिए मैंने लगा दिया है। अब चलते हैं। अगर आपका बुलर में सब कुछ सही है फिर भी हीट नहीं हो रहा है, तो आपको दो चीज़ चेक करना है कि इसके अंदर जो कॉयल है वो चेक करना है, और इसमें जो एक ट्रायक होता है, ये जो ट्रायक आप देख पा रहे हैं ट्रांजिस्टर की तरह मॉस्फेट की तरह दिखने लगता है, लेकिन ये ट्रायक बोलते हैं, मतलब ये एसी को डिम करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये इसका जो नंबर है वो BTA08 नंबर है। एक बार देखते हैं BTA08 600C। तो इसका मतलब ये 600C का मतलब है 600 एम्पेयर ये इसका कैपेसिटी है। और अगर ये ख़राब होता है और आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसके जगह BTA12 यूज़ कर सकते। दोनों का काम एक ही है। BTA12 आपको जो पुराना बुलर में ही आता था, जो क्विक 850 का जो होता था उसमें BTA12 होता है। कुछ फैन का रेगुलेटर जो होता है उसमें भी कुछ BTA12, BTA134, BTA136, BT136 ये सब मॉडल आपको मिलता है। तो ये कॉमन है, आपको मार्केट में मिलेगा। ये चीज़ अगर ना मिले BTA12 आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आप वो ले सकते। नहीं तो आप इन्वर्टर के अंदर भी आपको मिल जाएगा ये BTA12। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो वाइट कलर का आपको आईसी दिख रहा है ये होता है आपको ये ट्रैक का ड्राइवर है। इसका बोलते हैं ऑप्टो कपलर, एसी ऑप्टो कपलर MOC 30441 इसका नंबर है। इसके जगह आप अगर आपको ना मिले तो MOC 3021 मतलब 3021 का ऑप्टोकपलर आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको इन्वर्टर के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। ये ट्रांजिस्टर का नंबर है TIP 122, ये NPN ट्रांजिस्टर है। बाकी यहाँ पर देखिए ये एसी के लिए है, डायरेक्ट जो एसी लाइन है हमारा इनपुट लाइन। एक बार जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए जो एसी हम देते हैं तो एसी लाइन का एक तो यहाँ पर अर्थ हो जाता है, दूसरा डायरेक्ट जाता है बोर्ड के अंदर, और तीसरा लाइन जो होता है ये फ्यूज़ के अंदर से डायरेक्ट जाता है ये स्विच के अंदर, स्विच के बाद डायरेक्ट जाएगा बोर्ड में। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो बोर्ड में पावर चला जाएगा, बोर्ड ऑन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर और एक चीज़ देख लेते हैं, ये उसका एयर पंप होता है, सेम जैसे वाटर पंप होता है उसके जैसा है।
और इसके अंदर ये जो मोटर यूज़ हुआ है, मोटर आप लोग ये अगर ये ब्लोअर यूज़ किया है तो आपको एक चीज़ महसूस होना चाहिए कि इसका जो एयर होता है ये सबसे लोएस्ट में बहुत ज़्यादा एयर फ्लो करते हैं। तो कुछ लोग मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि इसका एयर कैसे कम किया जाए, तो मैंने कोशिश किया था तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ। देखिए इसका जो मोटर होता है वो होता है स्टेपर मोटर, मतलब इसमें स्टेपर मोटर 1 2 3 4 5 फाइव वायर है, दो वायर पावर के लिए है और थ्री फेस के लिए है। तो ये स्टेपर मोटर क्या होता है, ये ड्राइवर के बिना नहीं चलता है, आपको ड्राइवर के बिना नहीं चलता है तो आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें कम ज़्यादा करने के लिए आपको इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये माइक्रो कंट्रोलर में आपको प्रोग्राम दोबारा करना पड़ेगा, जबकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये चाइना का है, लेकिन प्रोग्रामिंग हेडर यहाँ पर है, आप प्रोग्राम का आपको अगर मिल जाए तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हेडर है, कंपनी ने दोबारा प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए मैं तो यहाँ पर बता दिया आपको कि कैसे क्या देखना है, बाकी और एक चीज़ देख लेते, ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है देखने का। देखिए मीटर को मैंने कंटिन्यूटी मोड में सेट किया है, आपको ये ट्रायर का वैल्यू आपको चेक करके देता हूँ, अगर शॉर्ट हो जाए तो वो शॉर्ट बताएगा या ओपन हो जाएगा तो वो भी ओपन दिखाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको चेक करना है, देखिए 600 आपको वैल्यू आ रहा है और इस तरह आपको इस तरफ भी 630 लगभग 600 बोल सकते, तो ये उसका मतलब ये ओके है। अगर यहाँ पर वैल्यू ना आए या शॉर्ट हो जाए तो उसका मतलब ये ख़राब है और हीट आपको नहीं होगा, और हो सकता है ये ख़राब हो जाएगा तो 100% आपको ये जो इसका जो फ्यूज़ है ये भी जल जाएगा। और एक चीज़ देख लेते हैं, मैंने ये तो सॉरी थोड़ा दिक्कत आ गया था, तो मैंने तो ये तो रिपेयर कर लिया है, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको कि मैंने इसमें क्या किया है और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक बार देख लीजिए इसमें ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये देखिए, ये जो इसका जो पाइप है, पाइप के अंदर से ये लाइन आ रहा है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट हैंडल के अंदर जा रहा है, तो हैंडल के अंदर के 6 वायर होता है, 1 2 3 और ये 3 6 वायर होता है, तो 6 वायर में से एक अर्थ होता है जो कि ग्रीन कलर का है, ये अर्थ होता है और ये ब्लू और ये पिंक कलर का है, ये दोनों वायर हमारा कॉयल के लिए होता है, मतलब ये जो इसके अंदर जो कॉयल होता है, कॉयल के अंदर ये डायरेक्ट जाता है, ये जो ट्रैक है इसमें से वोल्टेज कम ज़्यादा रेगुलेट होकर यहाँ से डायरेक्ट कॉयल को जलाता है, और ये जो 3 वायर है इसके अंदर एक कनेक्टर है, तो ये कनेक्टर के अंदर से आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। पहले देखिए कनेक्टर मैंने निकाल दिया है, अभी इसका कंडीशन आपको एक बार दिखा देता है, पावर देना पड़ेगा, देखिए मैंने पावर दे दिया तो यहाँ पर एरर आ गया, देखिए एरर आना चाहिए, एरर आ गया, उसका मतलब क्या है, देखिए ये जो हैंडल होता है, ये जो हैंडल होता है, हैंडल के अंदर जो कॉयल होता है उसके साथ एक टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि NTC कहते हैं, वो NTC नेगेटिव टेम्परेचर कंट्रोलर होता है इसके अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, वो जो टेम्परेचर कंट्रोलर अगर बोर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा तो आपको इस तरह का एरर दिखाएगा। ऐसा कंडीशन में आप कैसे समझ जाएंगे कि हमारा हैंडल के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर है ये ख़राब है या अच्छा है, और बोर्ड अगर ओके है या नहीं वो भी चेक करना है, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, देखिए ये जो सेंसर है, ये जो वायर है इसमें से
एक तार होता है ग्राउंड, ये जो येलो कलर का है ये ग्राउंड है, और ये जो व्हाइट कलर है ये हमारा जो हॉल सेंसर होता है, जो राख देने पर ऑफ हो जाता है, वो एक मैग्नेटिक सेंसर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेंसर के लिए होता है और ये जो वायर है ये टेम्परेचर के लिए। तो जैसे कि जैक तो इस तरह से लगेगा, देखिए इस तरह से बोर्ड के अंदर लग जाएगा। तो ये जो दो वायर है ये जाएगा हमारा टेम्परेचर के लिए। तो हम इसको अगर शॉर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा बोर्ड में कोई दिक्कत है या नहीं। तो हम शॉर्ट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए इसके अंदर जो कनेक्टर है, हम इस साइड से दो कनेक्टर को शॉर्ट करेंगे, दो लाइन। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एक सेकंड, ये देखिए मैंने दो लाइन शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर 32 रीडिंग दिखा रहा है। मैं थोड़ा कम ज़्यादा करता हूँ, देखिए ये इस तरह से, मतलब ये टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर रहेगा। तो ये जब हीट होगा तो इसमें कुछ वैल्यू चेंज होगा, जो वैल्यू इसके अंदर आएगा ये एक्चुअली फीडबैक की तरह काम करता है। मतलब इसमें से रीड करता है, ये जो हैंडल है मेरे हाथ में, इसमें से हीट को रीड करता है। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, जो वैल्यू हमने सेट किया है उससे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो कम कर देगा। और जब इसका टेम्परेचर कम है और मैंने सेट ज़्यादा किया है, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को हाई कर देगा। वो जो टेम्परेचर सेंसर है वो फीडबैक की तरह काम करेगा। और बाकी उस साइड जो पॉइंट है, मैं आपको कहा है कि मैग्नेटिक सेंसर होता है, तो उसका काम भी आपको दिखाऊंगा ज़रूर। देखिए ये जो कनेक्टर है हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा जो बोर्ड है दोबारा चालू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चालू हो गया है, टेम्परेचर को कम कर लेते हैं, देखिए चालू हो गया है। अभी देखिए टेम्परेचर डाउन हो रहा है, यहाँ पर रख देते। तो देखिए 169 मैंने टेम्परेचर सेट किया, तो टेम्परेचर 169 है। अभी हमें बंद करना है, तो हम ऐसे रखते हैं तो बंद हो जाता है। यहाँ पर जो ये होता है, आपको यहाँ पर एक मैग्नेट होता है, देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट में अगर हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए ये अभी अभी भी चल रहा है, लेकिन ऑफ होना चाहिए। ये भी प्रॉब्लम है शायद, हम देख लेंगे। देखिए अभी ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर का ये जो वाइट और येलो कलर है, ये मतलब ये जो राइट साइड है बीच में और राइट साइड में, यहाँ पर हम शॉर्ट कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हॉल सेंसर के अंदर इस तरह का काम है। जब हम हैंडल रख देते हैं तो वो शॉर्ट कर देता है, जैसे कि हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए अभी देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर मैंने छोड़ दिया तो फिर आगे जा रहा है टेम्परेचर। तो इस तरह का काम होता है। बाकी ये तो बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं हैंडल के बारे में। देखिए हैंडल के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर 3 स्क्रू होता है, 3 स्क्रू आपको पहले निकाल लेना है और फिर इस तरह से आगे सामने देना है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको इलेक्ट्रिक को ऑफ करना है, नहीं तो शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिक को मैंने ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए हैंडल है, यहाँ पर आपको एक स्क्रू मिलेगा, मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, यहाँ पर स्क्रू होता है। तो ये स्क्रू आपको निकाल के फिर इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम इस तरह से खींच देंगे। देखिए देखिए ओपन कर दिया है। तो इसके अंदर देखिए इसका कॉयल ये है, ये कॉयल है, और ये जो टेम्परेचर सेंसर मैंने कहा है, टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर ही है, इसके ऊपर एकदम ऊपर। ये मेरा टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया था, मतलब थोड़ा डाइसोल्ड हो गया था, मैंने दोबारा कनेक्टर निकल के फिर लगाया है। और यहाँ पर देखिए
इसका वायर एक बार देख लेते हैं, ये अर्थ के लिए होता है। अरे फोकस हो जा, देखिए ये अर्थ के लिए होता है और ये जो दो वायर है ये होता है हमारा टेम्परेचर सेंसर, ये देखिए। अच्छा यहाँ से निकल सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए कनेक्टर है टेम्परेचर सेंसर, ये भी निकल सकते हैं, देखिए ये भी निकल गया है। तो ये जो दो वायर है ये टेम्परेचर के लिए होता है, अगर ये ख़राब है या डिसकनेक्ट हो गया है तो भी आपको एरर दिखाएगा उसमें। तो यहाँ पर हम बाद में देख लेते हैं, ये तो टेम्परेचर सेंसर हो गया है, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर सेंसर। अगर आप कॉइल को निकालना चाहते हैं तो ये जो ये क्लिप है यहाँ पर आपको दबा के सामने देना है, खींचना है, तो ये देखिए निकल जाएगा। और इसके अंदर ये ओवर हीट प्रोटेक्शन भी है, ज़्यादा हीट होगा तो ये कॉइल को ऑफ करता है, ओवर हीट प्रोटेक्शन। और यहाँ पर देखिए जो मैंने कहा है मैग्नेटिक स्विच, ये होता है रीड स्विच बोलते हैं इसको, रीड स्विच। यहाँ पर मैग्नेट लाएंगे तो ये जो दोनों वायर शॉर्ट करता है तो ये शॉर्ट कर देगा। और आपको वोल्टेज भी मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर हम दोबारा पावर देंगे और दो चीज़ आपको देखना है कम से कम, तब आपको पता चलेगा कि आपका उसमें ख़राब है तो क्या ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने पावर दे दिया है और इसके अंदर ये जो सेंसर है आपको कंटिन्यूटी मोड में, मीटर में कंटिन्यूटी मोड में आपको चेक करना है। पहले तो आपको शॉर्ट दिखाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो दो कनेक्टर है यहाँ पर आपको शॉर्ट दिखाएगा, यही इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादातर यही ख़राब होता है। देखिए शॉर्ट है मीटर में, लेकिन यहाँ पर हम जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको रीडिंग दिखाएगा, यहाँ पर गर्म करते ही आपको रीडिंग दिखाएगा। अभी मेरे पास तो लाइटर नहीं है तो ये गर्म करने से कुछ रीडिंग दिखाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको 1K तक वैल्यू दिखाएगा, जितना गर्म करेंगे उतना ऊपर जाएगा वैल्यू। और यहाँ पर आपको बोर्ड में और एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखिए मीटर को हम वोल्टेज मोड में सेट करेंगे, डीसी वोल्टेज मैंने 20 मोड में सेट किया है। तो यहाँ पर हम एक बार ऑन करते हैं, देखिए कभी कभी एरर आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कॉइल निकल दिया है तो ये कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे रीड स्विच की वोल्टेज चेक करेंगे, अगर आपका हैंडल मशीन में रखने पर ऑन नहीं हो, ऑफ नहीं होता है या निकलने पर ऑन नहीं होता है तो आपको देखना है इसका जो 20 पॉइंट है, 20 का पॉइंट और राइट साइड का जो पॉइंट होता है वो मैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर आपको 3 वोल्ट के ऊपर जाना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए 3.2930 तक जा रहा है, ये हल स्विच जो मैग्नेटिक स्विच होता है उसका वोल्टेज यहाँ पर है पुल अप वोल्टेज। यहाँ पर एक रेजिस्टर की तरह रेजिस्टर यूज़ करके पुल अप किया है, जब मैग्नेटिक स्विच जब ऑन करते हैं तो ये वोल्टेज को जीरो करता है, मतलब शॉर्ट कर देता है ए लाइन को। तो आप भी शॉर्ट करके एक बार चेक कर सकते हैं, मतलब ये सॉकेट को निकाल के शॉर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका मशीन ऑन हो रहा है कि नहीं। और इस साइड में देखिए आपको 20 मिली वोल्ट मिलेगा जो कि टेम्परेचर का वोल्टेज है, देखिए जो सेंसर होता है टेम्परेचर सेंसर उसका 20 मिली वोल्ट मिलेगा। अगर आपको ये वोल्टेज ना मिले तो आपका टेम्परेचर सेंसर काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा मैं यूज़ करता हूँ, ये ख़राब हो गया था इसलिए मैं सोचा
रिपेयर करने के बाद मैं सोचा कि एक बार इसके ऊपर वीडियो बना देता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है, मेरे को कोई हेल्प नहीं मिला, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक डीपली वीडियो बना दिया जाए। तो इसलिए मैंने कोशिश किया, तो कुछ चीज़ समझाने में छूट गया होगा, तो आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट टाइम हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।